आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेकर, जो 2020 में आप सभी का हुआ है कल ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख कर ले लो आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, एसएससी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम। एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ए टू जेड आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूंगा और एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जाएगा आप सभी के साथ। पहले आप सभी को मैं बता दूं, यह 65वां यानी 65 जो था यह फिल्म फेयर अवार्ड था। और ये इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका जो जगह है वो आप सभी याद रखिएगा, ये गुवाहाटी में हुआ था, आपके असम में। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि जो इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था 2020 का, वो आपका गुवाहाटी में हुआ था, असम में। ठीक है, और इसको स्पॉन्सर करने वाली कौन सी कंपनी थी, तो इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड को स्पॉन्सर किया गया था अमेजन के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक एक पॉइंट की तरफ। एक बात बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक शेयर जरूर करिएगा। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को 1000 शेयर तक आप सभी मिलकर भाई बहन जो है वो पहुंचाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इस बार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका गली बॉय को। याद रखिएगा एक क्वेश्चन और, इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड में एक फिल्म सबसे ज्यादा छाई रही और वो है आपका गली बॉय। सबसे ज्यादा फिल्म अवार्ड जो है, सबसे ज्यादा पुरस्कार इसी फिल्म को मिला है इस बार के फिल्म फेयर अवार्ड में। तो आप देख पा रहे होंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो गली बॉय को ही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगर बात करें क्रिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका आर्टिकल 15 को, जो अनुभव सिन्हा की मूवी है। इसके डायरेक्टर कौन है, अनुभव सिन्हा, आर्टिकल 15 के। तो क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, आर्टिकल 15 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने और हां, क्रिटिक्स के मामले में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दो मूवी को दिया गया है। एक तो आप सभी को मैंने दिखाया कौन सा, आर्टिकल 15, और दूसरा जो है आपका अभिषेक चौबे, जो उस मूवी के डायरेक्टर है जिनका नाम क्या है, सोन चिड़िया, इस मूवी को दिया गया है। यानी क्रिटिक्स के मामले में दो फिल्म को जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, एक तो आपका आर्टिकल 15 और दूसरा आपका सोन चिड़िया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणवीर सिंह को, और अगेन कौन सी फिल्म के लिए, तो गली बॉय के लिए, आप देख पा रहे होंगे। अगर बात करें कि क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, एक अग्रणी रोल क्रिटिक्स में किसको दिया गया है बेस्ट एक्टर का जो है वो अवार्ड, और वो दिया गया है आपका आयुष्मान खुराना को, आर्टिकल 15 मूवी के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो ये पुरस्कार इस बार फिल्म फेयर में किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका आलिया भट्ट को, कौन सी मूवी के लिए, गली बॉय के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आप बोलेंगे आलिया भट्ट गली मूवी के लिए। ठीक है, गली बॉय के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें क्रिटिक्स में, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका भूमि पेडनेकर को। ठीक है, और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, कौन से मूवी के लिए, साड की आंख, क्या नाम है मूवी का। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, और हां, क्रिटिक्स में भी दो महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, एक तो आपने देखा भूमि, और दूसरा कौन है, तो दूसरा है आपका तपस्वी पन्नू को, और ये भी कौन सी मूवी के लिए, तो सांड की आग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, अगर बात करें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है जोया अख्तर को, कौन से मूवी के लिए, तो गली बॉय के लिए। ठीक है, याद रखिएगा बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है जोया अख्तर को, गली बॉय मूवी के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल, यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सिद्धांत चतुर्वेदी जी को,
कौन से मूवी के लिए? गली बॉय। आप देख पा रहे होंगे फिल्म फेयर में जो है गली बॉय का डंका बजा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल, और यहां पर बात कर रही है आपकी अभिनेत्री के लिए, सपोर्टिंग रोल में कौन सी अभिनेत्री को अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया अमृत सुभाष को। ठीक है, कौन सी मूवी के लिए? तो अगेन कौन सी मूवी के लिए? गली बॉय के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट म्यूजिक एल्बम ये कौन किसको दिया गया है? तो अंकुर तिवारी और जोया अख्तर को। बेस्ट म्यूजिक एल्बम किसे दिया गया है? अंकुर तिवारी और जोया अख्तर को, गली बॉय मूवी के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट म्यूजिक एल्बम, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था हमारे, बेस्ट म्यूजिक एल्बम का दो पुरस्कार मिला है, एक तो गली बॉय को और दूसरा मिला है आप सभी को कबीर सिंह को, बेस्ट म्यूजिक एल्बम के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार किसे दिया गया? और यहां पर एक बात थोड़ा मुझे भी खटकने में आया कि यहां पर दिया गया है कौन से गीत के लिए, तो अपना टाइम आएगा जो गाना गली बॉय में है उसको दिया गया है बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार। हालांकि अगर आप सभी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि तेरी मिट्टी जो सॉन्ग था अक्षय कुमार का, उस सॉन्ग को कम से कम बेस्ट लिरिक्स के लिए पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन पता नहीं अपना टाइम आएगा इस गाने में कैसा लिरिक्स था और इस लिरिक्स को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का पुरस्कार इस बार के फिल्म फेयर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड पुरुष के कैटेगरी में, मेल के कैटेगरी में दिया गया है अरिजीत सिंह को, कौन से गाने के लिए? कलंक नहीं, जो कलंक मूवी से है। ठीक है, अगर बात करें फीमेल में तो बेस्ट फीमेल सिंगर का पुरस्कार दिया गया शिल्पा राव को, गाना कौन सा है? घुंघरू। कौन से मूवी में? तो वार मूवी में, जो कुछ दिन पहले आप सभी का ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का मूवी आया था वार, उस मूवी में एक गाना था घुंघरू, उसके लिए बेस्ट सिंगर फीमेल में पुरस्कार दिया गया है शिल्पा राव को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर यानी प्रथम प्रवेश निर्देशक के रूप में अवार्ड किसे दिया गया है? तो आदित्य धर को, यहां पर DHAR हो गया, धर कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन से मूवी के लिए? तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर, और बेस्ट डायरेक्टर में ये क्या, वो भी डिब्यूट यानी पहली फिल्म बना रहे जिनको ये अवार्ड दिया गया है अपने पहले मूवी में। अगर बात करें यहां पर कि सबसे अच्छी पहली फिल्म के लिए कौन से पुरुष को अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका अभिमन्यु दसानी को, और मूवी का नाम क्या है? मर्द को दर्द नहीं होता। सबसे पहली फिल्म कौन सी पुरुष की है और सबसे पहले ही फिल्म में उनको बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका अभिमन्यु दसानी को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट डिब्यूट फीमेल, सबसे अच्छी पहली फिल्म किसकी है? तो अनन्या पांडे। कौन से मूवी के लिए? स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, बेस्ट कोरियोग्राफर, अगर बात करें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड, तो रेमो डिसूजा, कौन से गाने के लिए? घर मोरे परदेसिया, इस गाने के लिए दिया गया है बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड रेमो डिसूजा को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ये अवार्ड इस बार गया है आपका जया ओझा को, और कौन से मूवी के लिए? गली बॉय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिव्या गंभीर, निधि गंभीर को, कौन से मूवी के लिए? सोन चिड़िया के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, बेस्ट एडिटिंग के लिए पुरस्कार गया है आपका शिव कुमार वी पानीकर को, कौन से फिल्म के लिए? तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। बेस्ट एडिटिंग सबसे अच्छा कौन सी मूवी का रहा, सबसे अच्छा एडिटिंग? तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुजेन कैंपलेन मरवाजानी को। ठीक है, कौन से मूवी के लिए? गली बॉय के लिए। अगला है हमारे सामने, सबसे अच्छा VFX,
सबसे बेस्ट किसको दिया गया? श्रेया भरदा और विशाल आनंद को। कौन से मूवी के लिए? वार के लिए। जैसे मैंने आप सभी को बताया था वार मूवी में कौन है, तो टाइगर श्रॉफ और आपका ऋतिक रोशन। अगला प्रश्न हमारे सामने, बेस्ट डायलॉग, सबसे अच्छी डायलॉग किसका था? तो विजय मौर्या का। कौन से मूवी? गली बॉय। क्या बात है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बेस्ट स्क्रीन प्ले, ये अवार्ड किसे गया है? तो रीमा कागती और जोया अख्तर को गली बॉय के लिए। बाप रे बाप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बेस्ट मूल कहानी ओरिजिनल स्टोरी सबसे बेस्ट किसकी थी? तो वो है आपका आर्टिकल 15 को मिला है, अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी। जितने भी फिल्म बनते हैं सच्ची कहानियों के ऊपर, उसके लिए सबसे अच्छी कहानी, सच्ची कहानी में कौन से मूवी को मिला है? तो आर्टिकल 15 को मिला है, बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी के लिए। अगला है हमारे सामने, सबसे अच्छी फिल्म के लिए लोगों की पसंद, कौन सी मूवी ने सबसे अच्छा लोग पसंद किए हैं? यानी ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीपुल चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म, सबसे छोटी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है और ये लोगों के पसंद के अनुसार? तो वो मिला है आपका कौन सी मूवी को? तो देसी मूवी को। उसके डायरेक्टर कौन है? रोहित बापू कांबले। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सबसे बेस्ट एक्टर फिल्म शॉर्ट फिल्म में, छोटी फिल्म में सबसे बेस्ट एक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है छोटी मूवी में? तो वो दिया गया है आपका सारा हुमामी को। कौन सी मूवी के लिए? बेबाक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है शॉर्ट फिल्म में? तो वो दिया गया है आपका राजेश शर्मा, टिडनी मूवी के लिए। ठीक है, आप चेहरा को पहचानते होंगे, एक ही नाम याद आता होगा इनको देखने के बाद, महेंद्र सिंह धोनी, जो मूवी में माही के कोच थे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्म फेयर अवार्ड से। लेकिन एक आश्चर्य ये होता है कि इस बार के फिल्म फेयर में सुपर 30 को जगह ही नहीं दिया गया, जबकि बहुत बेहतरीन मूवी थी। तो उम्मीद करते हैं सुपर 30 को तो जगह मिलना ही चाहिए था, क्योंकि यार अगर आपने फिल्म देखा होगा तो मैं खुद शॉक्ड हूं, क्योंकि मैंने पर्सनली कम से कम 4 से 5 बार सुपर 30 मूवी देखा है और बहुत लाजवाब मूवी है। लेकिन इस बार के फिल्म फेयर में उस मूवी को अवार्ड दिया ही नहीं गया, हद है। कोई नहीं, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट फिल्म फेयर अवार्ड से। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पर ना लिंक शेयर कर दिया गया है। तो टेलीग्राम का नाम है सक्सेस की 98। अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको वहां पर पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो आप लिख कर ले लो, आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 110% फिक्स्ड है। तो एक बार अच्छे से इसको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को दिल से धन्यवाद। और हाँ, एक शेयर कम से कम आप कर दीजिएगा, वीडियो देखकर निकल मत जाइएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक है ना, चलिए।